स्केयरक्रो जो कि फ्रैंकलिन की बलि चाहता है, तो क्या फ्रैंकलिन आज खुद को इस खतरनाक स्केयरक्रो से बचा पाएगा यार फिर? तो गाइज मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के पास, पहले उससे मिलेंगे और बात करेंगे, ठीक है गाइज? तो गाइज मैं जा रहा हूँ सबसे पहले मार्केट फटे दूध की लस्सी लेने, लेकिन ये मेरे घर के ऊपर से कौवे की आवाज इतनी ज्यादा तेज कैसे आ रही है भाई? पहले तो कभी मेरे घर पे कोई कौवा वौवा आया नहीं, तो आज कहाँ से आ गया? रुको यार, देखना पड़ेगा। हमको लग रहा है कि ये छत का ऊपर से आवाज आ रहा है भाई, स्विमिंग पूल वगैरह तो ठीक है ना, लेकिन छत पे मेरे को देखना पड़ेगा ये कौवा कहाँ बैठा हुआ है यार। अरे भाई साहब, ये क्या लेके इतना बड़ा चिकन का टुकड़ा लेके क्या कर रहा है ऊपर? ये तो, लेकिन ये कौवा इतना ज्यादा बड़ा कैसे हो गया भाई? और ये साला मेरी छत के ऊपर क्या कर रहा है? कहीं ओ भाई, कहीं मेरे पास काला जादू तो नहीं कर दिया? ओ गाइस, देखना पड़ेगा ऊपर जाके। ईंट का टुकड़ा लेके मेरी छत पे बैठा है साले को, तो गोली से भून दूंगा। गोली कहाँ है भाई? एक तो मेरी बंदूक किधर रख दी, मेरी सामान किधर है गाइस? तो यार सही टाइम पे सही चीज मिलती नहीं है। मैंने पता नहीं भाई पिस्टल कहाँ रख दी थी, शायद इस ड्रॉअर में, रुको चेक करता हूँ। चल भाई फ्रैंकलिन क्या कर रहा है यार ये भी? अरे यहाँ कहाँ चढ़ रहा है? हाँ ये पिस्टल तो मिल गई। अरे कतई बाबड़ा हो गया है क्या, कहाँ जा रहा है भाई? रुक जा यार, ये फ्रैंकलिन भाई छत पे चढ़ के मारेगा क्या? चलो चलो भाई आज छत पे चल के मारते हैं, लेकिन मैं ही गिर गया गाइज। कोई बात नहीं, मैं उठ के भी मार के छोड़ूंगा उसको, छोड़ेगा नहीं मैं, ठीक है? दिमाग का दही कर दिया, लेकिन जो भी भाई हम लोगों ने पिस्टल तो ले ली, अभी जाके इस कौवे का गेम बजाते हैं, फिर इसको पता चलेगा कि हमारी छत पे काय काय करने का क्या नतीजा होता है। ठीक है चलो, अब छत पे जाके ना उसको गोली से उड़ा देते हैं गाइज, चलो। क्योंकि अगर ये काला जादू होता तो अपनी तिलस्मी शक्ति दिखा रहा है क्या मेरे को? ओ भाई कहाँ गया, ओ भाई कहाँ गया ये कौवा, ये क्राउ कहाँ गया गाइज? अरे भाई लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, किसी ने सच में काला जादू तो नहीं किया था भाई। लेकिन जो भी हो भाई, अभी हम लोग क्या ही कर सकते हैं? और यहाँ पे भाई दो तीन बुलेट फायर कर देता हूँ, कौवा कौवा हो तो उड़ जाए, लेकिन कौवा ही नहीं है गाइज। अब क्या करें, अब चलो दोस्त के पास चलते हैं गाइज। मेरे को बहुत ही अर्जेंटली बुलाया है भाई, एंड उसकी आवाज सुन के तो लग रहा था कि भाई वो किसी मुसीबत में है, तो फिलहाल मेरे को उसकी हेल्प करने के लिए जाना पड़ेगा। तो इस कौवे को तो मारो फिलहाल के लिए गोली, एंड फिलहाल के लिए सीधा चलते हैं चमन के पास, क्योंकि हमारे लिए चमन ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई हमारा। तो गाइज बाइक में लेट हो रहा था इसलिए मैंने गाड़ी ले ली, अब चलो गाड़ी में चलते हैं गाइज। वो नहीं, फिर बाइक ही लेने जरूरत पड़ रहा है गाइज। हमारा दोस्त है और कौवा वौवा तो भाई जिंदगी में आते रहेंगे, लेकिन फिर भी मजाक से हट के हम लोग को इस कौवे के बारे में सोचना पड़ेगा, और प्रोफेसर बोरा से भी तो बात करना ही है भाई। और चलो दोस्त के पास चलते हैं, पहले उससे मिलते हैं, उसका क्या कहना है, वो तो डरा हुआ सा था। सबसे चलते हैं चमन के पास, क्योंकि भाई उसकी मदद करना भी जरूरी है, क्योंकि दोस्त है हमारा, और अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं, ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से। बाकी यार अभी मैं उसका फोन भी ट्राई कर रहा था लेकिन उठा नहीं रहा मेरे को भाई लोकेशन। चलो भाई मिल जाएगा आप थोड़ी दूर में, मैं क्योंकि इधर आता नहीं हूँ ना गाइस, ये मेरे को उतना पता नहीं है इधर का, ठीक है? हम लोग को फाइंड तो करना ही पड़ेगा, आई गेस यहाँ से ही थोड़ा सा आ गया भाई। और कहाँ जा रहा है, यहीं पे रुक जा। अरे चमन की आवाज भाई, कहाँ है साला, दिखाई नहीं दे रहा, मिस्टर इंडिया हो गया क्या? अरे भाई इसको भी काला करो क्राउ दिख रहा है गाइस, वो क्या है, उसको भी दिख रहा है, मेरे को भी दिख रहा है, वही बात कर रहा है ये गाइस। इसने मेरे ऊपर काला जादू कर दिया भाई। अरे यार तू इसलिए मेरे को बुला रहा था, ये काला सफेद कुछ नहीं होता। अरे क्यों नहीं होता, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो बता कहाँ देखा है? अरे मैं सीरियस हूँ भाई, मेरे को अपने घर की छत के ऊपर एक बहुत बड़ा काला कौवा दिखा भाई। बहुत बड़ा काला कौवा, और वो मीट खा रहा था क्या? अरे हाँ वो मीट खा रहा था, लेकिन तेरे को कैसे पता? अरे भाई वो मेरे घर के ऊपर भी आया था, मीट ही खा रहा था वो, इतना बड़ा मीट था उसके पास, ठीक है? काला जादू तो नहीं है मेरे ख्याल से, साला कोई अपने मजे ले रहा है। अरे भाई तू समझ इस बात को, फटाफट एयरपोर्ट चल और प्लेन में बैठ के यहाँ से निकल जाती है। अरे चुप कर यार, इस कौवे की गुत्थी तो सुलझा जाके ना गाइस, मैं इसका ये कौवा का ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ठीक है? कौवा के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, अब निकलते हैं गाइस। वो रात हो गया, ओ भाई कोई डर नहीं है मेरे को गाइज, चलो चलो रात में क्या हुआ, तो रात हुआ तो गाइज मैं हूँ ना, चलो। लेकिन जो भी हो ये काला कौवा छत के ऊपर, वो भी कोई नॉर्मल नहीं, जॉइंट काला कौवा। गड़बड़ तो है भाई, कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है, या तो ये कोई वहम है। लेकिन भाई मेरे को और चमन को एक ही वहम होना ये भी मुश्किल है, लेकिन जाके घर की सीसीटीवी फुटेज चेक करता हूँ भाई, ये काले कौवे का आखिरकार राज है क्या, ये साला आया कहाँ और गया। लेकिन भाई फुटेज चेक करना तो बहुत टाइम लगेगा, 2-3 घंटा टाइम लगेगा, उससे अच्छा देख लेता हूँ क्या होता है, चलो पहले। कैसे आ गए भाई? अरे लगता है नींद से इतना ज्यादा थक चुका हूँ, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा इसलिए काम। अरे भाई संभल के उतारा कर यार, जब भी तू हड़बड़ी में गड़बड़ी करता है यार, जब भी संभल के उतारा कर। आज का तो दिन ही मनुष्य है, लेकिन
चलो मैं अभी जाके सो जाता हूँ, आंखें खोली नहीं जा रही मेरे से। बाकी कल देखते हैं यार स्केयर क्रो का सीन, सारा स्केयर क्रो होगा भी तो हाथ उखाड़ के साइड में फेंक दूंगा और अब जाके सो जाऊंगा गाइस। अब जाके जो भी भाई, हमको अभी सिर्फ सोने से मतलब है तो सो जाता हूँ भाई यहाँ पे आराम से फैल के। क्या आ रहा है ये, क्या आवाज दे आ रहा है भाई रात को? साले कौओं की आवाज आ रही है। इस बार अगर साला मेरी छत पे हुआ ना तो उसका गेम तो मैं बजा के रहूंगा। साले ने नाक में दम कर दिया है। रुक जा तेरी तो भाई, मैं छत पे देखता हूँ इसका क्या चल रहा है लफड़ा। ठीक है। ओ भाई ये क्या हो रहा है? ओ भाई ये क्या है भाई? कौवा कौवा नहीं है यार, लेकिन ये सारी आवाज तो भाई, ये दिन जैसा माहौल कैसे हो गया? भाई ये काली अंधेरी रात में ये दिन जैसा कैसे हो गया गाइस? ओ भाई उड़ रहे भाई, कहीं चमन की बात सच तो नहीं? गाइस सच में स्केयर क्रो हमारी बलि लेन तो नहीं आ गया? अरे नहीं 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 नहीं, फ्रैंकलिन भाग 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 यहाँ से निकल भाई, मेरी हायाबुसा कहाँ गई? अरे ये क्या हो रहा है, हायाबुसा गायब हो गई और फॉर्च्यूनर में तो पेट्रोल ही नहीं है भाई। लेकिन भाई मैं दो चार कौवे देख के, भाई बस दो चार कौवे ही तो है, क्यों डर रहे इतना भाई? ओ भाई ये क्या है? इतने लगाया और ये अजीब सी आवाज क्या आ रही है भाई इसमें से? और यार इसको तो छोड़ो, लेकिन मेरे घर के कलर्स को क्या हुआ? ये कैसे कलर्स आ गए हैं मेरे घर में? ओ भाई भूत तो नहीं आ गया मेरे घर में? ये क्या हो रखा है भाई? चमन की बात सही थी, कुछ तो गड़बड़ है भाई। लेकिन सबसे पहले इस पोर्टल का कुछ करता हूँ भाई, इसको उखाड़ के फेंक देते हैं। लेकिन इसमें से आवाज आ रहा है भाई। क्या इसमें से कोई बाहर आ रहा है भाई? अरे नहीं 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 नहीं, मेरे ख्याल से भागो 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 भागो, सच में स्केयर क्रो है भाई। ओ शिट भाई, अपने घर पे स्केयर क्रो आ चुका है। भाग जाओ भाई नहीं तो मार डालेगा, भाग जाओ। क्या कर दिया ये, तो ठीक से चल भी नहीं पा रहा। अरे पापा पास मत आ, दूर रह दूर रह। अरे गन कहाँ गई मेरी भाई? गन भी नहीं है मेरे पास। और ये साला इसका क्या करूं भाई? मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले तो यहां से निकल जाता हूं भाई। ओ भाई ये तो चल भी नहीं पा रहा है भाई, ये तो भाग भी नहीं पा रहा है गाइस। ये दीवार कहां से आ गई? नहीं 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 नहीं। ओ भाई मार डाला मेरे को भाई, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मत कहो मुझे, छोड़ दो मुझे।